Good morning, student. Today we are going to read English grammar of class 6th, lesson number 25. And the name of the topic is punctuation. Okay, today we are going to read about punctuation. So, listen carefully. So, students, we have three sentences. Okay, हमारे पास यहाँ पे तीन sentences है. We are going to the zoo. Okay. अब आप इसमें मेरे stress को and किस तरह से मैं बोल रही हूँ way of the speaking को notice करेंगे. Okay. The first one is we are going to the zoo. Second is we are going to the zoo. Okay. And third is we are going to the zoo. In these three sentences, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे अलग अलग पंचुएशन मार्क्स मैंने यूज किए हैं. तो फर्स्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस मैं कह रही हूं कि हम जू मीन्स होता है चिड़ियाघर जहां पे वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स रखे जाते हैं देखने के लिए. सो पहले में है हम चिड़ियाघर जा रहे हैं. दिस इज असर्टिव सेंटेंस एंड इट इज ओनली अ स्टेटमेंट. ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये बता रहा है कि हम जू जा रहे हैं. नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू द जू, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क. यहाँ पे खुशी हमें दिख रही है कि हम जू जा रहे हैं, हम चिड़ियाघर जा रहे हैं. आप खुशी में कह रहे हैं कि हम जू जा रहे हैं, ये खुशी से. दैट्स वाई यहाँ पे हमने लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड थर्ड है वी आर गोइंग टू द जू. हालांकि सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बट अगर हम सेंस देखें तो ये पूछ रहा है कि वी आर गोइंग टू जू, हम जैसे कि हम चिड़ियाघर जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे पूछ रहा है. सो स्टूडेंट्स, इन तीन सेंटेंसेस में हमने सिर्फ एक चीज चेंज की है, वो है पंचुएशन मार्क्स. ओके, सिर्फ पंचुएशन मार्क को चेंज करके हमने पूरे सेंटेंस का जो सेंस है वो हमने चेंज कर दिया है. ओके, सो इन्हें ही हम कहते हैं पंचुएशन या पंचुएशन मार्क. ये है हमारे पंचुएशन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क. सो स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन वी स्पीक देयर आर टाइम्स व्हेन आवर वॉइस इज रेज्ड एंड समटाइम इट इज लोअर्ड. आप देखेंगे कई बार हम अपनी आवाज को उठा देते हैं, कई बार हम अपनी आवाज को धीमा कर देते हैं. ओके, देन वी पॉज एंड आवर पॉज आर नॉट ऑफ द सेम ड्यूरेशन. कई बार हम रुक जाते हैं लेकिन हमारे जो रुकना होता है वो भी सेम ड्यूरेशन में नहीं होता. हम कभी देर तक रुकते हैं तो कभी हम थोड़ा सा कम रुकते हैं. तो इन्हीं जो हमारा रुकना या फिर हमारे लैंग्वेज में जो स्ट्रेस होता है, बोलने का वे ऑफ द स्पीकिंग होता है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है पंचुएशन मार्क्स पे. ओके, सो स्टूडेंट्स देयर आर सम पंचुएशन मार्क. ओके, अब हम कुछ पंचुएशन मार्क की बात करेंगे. और उससे पहले आप देखना कभी एग्जाम्स में स्पेशली आता है कि पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ. ठीक है, इस पैराग्राफ को पंचुएट करिए. तो पंचुएट करने का मीनिंग होता है कि आपको ये सारे पंचुएशन मार्क्स उसमें लगाने हैं. ओके, और साथ ही साथ उसमें कैपिटल लेटर का भी यूज करना है, बिकॉज एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है और किसी न किसी पंचुएशन मार्क पे जाकर के वो खत्म होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फुल स्टॉप. ओके, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हम तब यूज करते हैं जब हम कोई भी सेंटेंस को हम खत्म करते हैं. ओके, जैसे आई लिव इन उत्तरकाशी. सो दिस इज अ स्टेटमेंट और ये यहीं पर जो ये वाक्य है वो खत्म होता है. तो अगर हम एक सिंपल स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, कोई भी सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, तो वो सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे जाकर के ही खत्म होता है. ओके, सिर्फ फुल स्टॉप पे. एंड सेकेंड इज कॉमा. सो कॉमा हम तब यूज करते हैं जब हम किसी दो सेंटेंस में, यानी कि जो सेंटेंस में आ रही दो चीजों को हम सेपरेट करते हैं. लाइक आई लाइक आइसक्रीम कॉमा चॉकलेट कॉमा टॉफी एंड केक्स.
जहां पे हम कुछ अलग अलग आइटम्स को अलग अलग थिंग्स को अलग कर रहे हैं, उन्हें सेपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे हम कॉमा का यूज करते हैं जो कि ऐसा दिखता है। एंड जब भी हम कॉमा लगाते हैं तो इसका मीन्स है शॉर्ट पाउज, यानी कि हमें थोड़े समय के लिए वहां पे रुकना है। ठीक है, जैसे रेखा फिर कॉमा, तो वहां पे हमें रुकना है। रेखा, सीमा एंड रीता आर माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। तो जब मैंने अपने दोस्तों का नेम लिया तो मुझे उसके बीच में छोटे छोटे पॉज लेने पड़े, यानी कि छोटी छोटी जगहों पे मुझे रुकना पड़ा कुछ देर के लिए। सो दिस इज द यूज ऑफ कॉमा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड व्हेन वी आस्क समथिंग, जब भी हम कुछ पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। सो क्वेश्चन मार्क जहां पे हमें देखने को सबसे ज्यादा मिलता है वो होता है हमारा क्वेश्चन पेपर। जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर स्टेटमेंट जिसमें कि हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, व्हेन वी आस्क समथिंग टू समवन वी यूज क्वेश्चन मार्क इन राइटिंग। ओके, राइटिंग में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे राइटिंग में तो हम क्वेश्चन मार्क देंगे, बट बोलने में भी हमारा जो टोन है, हमारा जो बोलने का तरीका है, उसमें हम स्ट्रेस देंगे। जैसे कि विच इज योर अम्ब्रेला, तुम्हारा छाता कौन सा है, तो हम उससे पूछ रहे हैं। सो हमें वहां पे स्ट्रेस देना जरूरी है कि हम वहां पे किसी से कुछ पूछ रहे हैं। दिस इज नॉट माई अम्ब्रेला, सो हमने स्ट्रेस दिया नॉट पे, दिस इज नॉट माई अम्ब्रेला। फोर्थ इज एक्सक्लेमेशन मार्क। सो एक्सक्लेमेशन मार्क सीधी एक डंडी और उसके नीचे बिंदी, यानी कि उल्टा आई भी हम इसे कह सकते हैं। स्मॉल लेटर पे जैसे हम आई लिखते हैं उसका उल्टा आई। सो एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड व्हेन वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग और सडन एक्सप्रेशन, जब हम कोई सडन एक्सप्रेशन या अपनी फीलिंग्स को बोलते हैं, दर्शाते हैं, जैसे कि ओ वाओ। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। ओके, और वैसे सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, आप ध्यान रखिएगा जिन सेंटेंसेस के लास्ट में होता है एक्सक्लेमेशन मार्क वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे कि हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। और इस निशान को हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। और हम एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे मैंने आपको बताया, वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क व्हेन वी एक्सप्रेस अवर सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन। एंड नंबर 5 कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क ये ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह के ये सिंबल होते हैं। सो कोटेशन मार्क हम तब यूज करते हैं जब हम किसी डायलॉग को हम अलग से सेपरेटली दिखाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे हमारे स्टोरीज में जब कोई कुछ कहता है तो उसको कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखते हैं, जिसे कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सो दिस इस डायलॉग को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, बिकॉज ये एक डायलॉग है। सो जहां पे हम किसी का कुछ कहा हुआ होता है, कोई कोट होता है, इंपॉर्टेंट कोट, तो उसे हम कोटेशन मार्क या फिर इसे हम कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, इनके अंदर हम उसे लिखते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेसन पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मीन्स, यानी कि मैं आपको दोबारा बता दूं, पंक्चुएशन में हमें कैपिटल लेटर्स का यूज करना चाहिए एंड ऑलवेज फॉलो द पंक्चुएशन मार्क। Okay, I hope you enjoy this video. Thank you and have a nice day.